नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है, तो फटाफट जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को, उसके बाद विस्तार से जानेंगे, हर एक खबरों का खंडन किया जाएगा। तो मैं विकास कुमार बनवाल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो बता दूँ कि एशियाई कुश्ती में विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जो है पहली बार जीता है। और सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा का जो है कोरोना से निधन हो गया है, 68 वर्ष के थे। और कच्चे माल की कमी से जो है टीका का उत्पादन पर असर हो रहा है, ये सीरम के सीईओ आधार पुनावाला ने जो है ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और अमेरिका से निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, उस पर जो है उसको हटाने की बात की है। नेक्स्ट बता दूँ कि इस साल मानसून समान रहेगा, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख जो है उनको कोरोना से छुट्टी मिल गई है अस्पताल से, वो अब ठीक हैं। एलआईसी ने जो है अपने कर्मचारियों के वेतन में 25% तक की वृद्धि करने वाली है। ऑक्सीजन की कमी से थमे सांसें बढ़ाने होंगे उत्पादन, ये पीएम ने कही है। कहा कि देश में लगभग एक्टिव केस 15 लाख के पार पहुँच चुका है और ऑक्सीजन बनने वाले संयंत्रों में 24 घंटे की मंजूरी, काम की मंजूरी दी गई है और 24 घंटे जो ये ऑक्सीजन भरने का काम होगा। और महाराष्ट्र सरकार को रिलायंस का इंडस्ट्री के द्वारा बहुत अच्छी खासी मात्रा में जो है ऑक्सीजन दी गई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इसके क्लास में खास। सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास, जुड़े हुए 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आज करंट अफेयर्स एवरीडे स्पेशल टॉपिक पे जो है आज भी डिस्कशन की जाएगी एक नई टॉपिक के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आज भी आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे, जो लगातार 4 महीने से 5 महीने से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक दिन नई सवालों के साथ मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज ही के दिन वर्ष 1983 में SLV-3 का चौथा और अंतिम प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा रेंज से किया गया। इसका पहला प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 को किया गया था, जो दोषपूर्ण बॉल्व के कारण लॉन्च के 17 सेकंड के बाद बंगाल की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1970 में अपोलो 13 अंतरिक्ष यान धरती पर सुरक्षित लौटा। 5 दिन पहले फ्लोरिडा से शुरू हुए इस ह्यूमन मिशन में अंतरिक्ष यात्री जेम्स ए लॉवेल वॉल, जॉन एल स्टीवर्ट और फ्रेंड डब्ल्यू हाइस थे। इस मिशन में यान चंद्रमा तक तो जरूर पहुंचा, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते सतह पर नहीं उतर पाया। आखिरी सवाल को देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 2003 में लगभग 55 वर्षों के बाद भारत ब्रिटेन की संसदीय मंच का गठन किया गया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे में किस टॉपिक पर चर्चा की जा रही है, उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो कि आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो डिस्कशन की जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का इतिहास तो शुरू हो चुका है, क्योंकि तो मैं बता दूँ कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है तेज हो गई है, या आप बोल सकते हो कि एक बार फिर से जो है लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था के लिए यह जो है बुरी खबर है। मार्च का महीना बहुत अच्छा गया, लेकिन अप्रैल घुसा तो जैसे ही स्थिति खराब होने लगी देश की, पूरा शेयर मार्केट ड्राम हो गया, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग सभी जो है स्थिति खराब चल रही है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम के 1,14,000 कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने जो है अच्छी खबर दी है। केंद्र सरकार ने LIC के कर्मचारियों के लिए रिमाइंड सैलरी की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं सरकार ने LIC के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन का काम करने का तोहफा भी दिया है। LIC के यूनियन लीडर के मुताबिक LIC कर्मचारियों के वेतन में 25% का इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगी। LIC कर्मचारियों का 1 अगस्त 2017 से ही वेज रिविजन बकाया था, ये बातें जो है कही गई है। और LIC के जो फेडरेशन के जो इम्प्लॉई के अध्यक्ष जो हैं, सॉरी सचिव जो हैं, श्रीकांत मिश्रा ने ये बातें बताई है।
उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब एलआईसी के लिए हर शनिवार को जो है पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा, यानी जो बैंक में होती थी उसी तरह से अब ये नियम लागू करने की विचार की जा रही है। हर शनिवार को एलआईसी की छुट्टी रहेगी। इसका मतलब हुआ कि एलआईसी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेगी, यानी एलआईसी के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करना होगा। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना को देखते हुए भी सरकार कुछ जो है नियम बदलाव किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके पास समय का अभाव है, आपके पास पैसे की कमी है, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। माँ बाप बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं, किताब अच्छी खास नहीं मिल पाती है, इंटरनेट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में बच्चों में क्या होता है, एक प्रेरणा जगती है कि नहीं मुझे कुछ कर गुजरना है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और अति मेहनत करते हैं और वो जल्दी जल्द सफलता पा लेते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन है आज की, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल जल्दी पहुंच पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है। मैं बता दूं कि कल का जो क्लास नहीं किए हैं उसका क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो और देख सकते हो कल का क्लास का। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के प्रयास में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों की सेवाएं पर जो है स्थायी रोक जो है रूप से रोक लगा दी है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज आपको सामने देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान ने जो है ये पूरी तरह से बैन कर दिया सोशल मीडिया पे। और साफ तौर पर एक फ्रांस देश ने कहा है कि अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने को, पाकिस्तान में जो जारी हिंसा विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए जो है फेल इमरान सरकार ने जो है ये जो डिसीजन लिया है। इमरान की सरकार ने फैसला देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को लेकर किया है। तकरीब लब्बेक पाकिस्तान की अगुवाई में पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन हिंसक रूप से अख्तियार कर चुका है, सैकड़ों लोग इसमें घायल हो चुके हैं। निष्पक्ष चुनाव आयोग के अनुसार 5 राज्यों में पहली बार जो 1000 करोड़ समान नगद और सामान जब्त किया गया है। तो ये बात है 5 राज्य के चुनाव में जो है चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें अच्छी खासा मात्रा में बंगाल जैसे राज्यों में जो है बरामद की गई है। चुनाव की बात की जाए, आयोग की बात की जाए, तो वर्तमान में अभी सुशील चंद्रा हैं, उससे पहले 24वें स्थान पर इनको 3 दिन पहले नियुक्ति की गई है। उससे पहले सुनील अरोड़ा जी थे। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं, विनेश फोगाट और युवा सनसनी अंशुल मलिक ने एशियाई चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देख सकते हैं चैंपियनशिप में फाइनल में ताइपे की सेंग मेंग हसान हसी को जो है पराजित किया है। साक्षी मलिक 65 किलो वर्ग में सेमीफाइनल में ही पहुंच गई है। और बता दूं कि 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद जो है जीत दर्ज की है। तो ओलंपिक टिकट हासिल कर चुकी विनेश फोगाट ने शुक्रवार को एशिया चैंपियन के फाइनल में अपनी प्रतिद्वंदी को जो एक तरफा मुकाबले में प्रकरण देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह कई बड़े खिलाड़ियों के बिना आयोजित इस प्रतियोगिता में विनेश का दबदबा कायम रहा। उन्होंने 53 किलो वर्ग में बिना अंक गवाए पहली बार एशिया चैंपियन में पीला तमगा हासिल कर लिया है। नेक्स्ट रोज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर फंड्स के तहत जो है ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है, जिससे जो है ऑक्सीजन को काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सके। पीएम ने जो है हर संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन का सुझाव दिया है। ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को निर्बाध आवागमन सूचित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि अनुसार जो बताया जा रहा है कि सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरने वाले संयंत्रों को 24 घंटे काम की अनुमति भी दे दी गई है। तो ये जल्दी जो है, और मैंने इस पर पहले ही बता दिया था कि ऑक्सीजन की स्थिति बहुत ही देश में खराब हो रही है। नेक्स्ट बता दूँ, यूजीसी ने सीए और सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री की को पीजी के बराबर मान्यता दे दी है। अब सीए और सीएस डिग्री धारी जो है विद्यार्थी जो है नेट और पीएचडी कर सकेंगे। अकाउंट्स के अलावा अब शिक्षण के क्षेत्र में भी जा सकेंगे। तो यूजीसी ने जो है मान्यता दे दी है, सभी विश्वविद्यालयों को जो है जानकारी दे दी है। यूजीसी की बात की जाए तो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो है इसका स्थापना किया गया है। इसके वर्तमान में धीरेन्द्र पाल सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं और दिल्ली इसमें इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आंदोलन, केंद्र सरकार ने का तोहफा एलआईसी कर्मचारियों को के वेतन में 25% तक की वृद्धि की गई है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल से बता दिया है। तो एलआईसी की बात की जाए तो एलआईसी की स्थापना
1 सितंबर 1956 को की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एम आर कुमार हैं। इसमें 4 प्रबंध निदेशक भी होते हैं। तो अब बहुत सारी सुविधाएं जो भी दी गई है उसमें से एक सुविधा है 5 दिन का काम करने का तोहफा दिया गया एलआईसी कर्मचारियों को, और बाकी तो मैंने पहले ही बता दिया। और सरकार का कुल वेतन के बिल में जो है लगभग 1700 करोड़ रुपए का जो है बोझ बढ़ जाएगा। तो एक तरह से वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार उसमें प्रेशर डाल के काम भी करवा सकती है। नेक्स्ट अगर हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को जो हिमाचल दिवस मनाया है, इसका फॉर्मेशन जो है 25 जनवरी 1971 को किया गया था। अभी वर्तमान में लगभग 69 लाख आबादी है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो बंदारू दत्तात्रेय जी हैं। इसमें इसके राज्यों पड़ोसी राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। इसमें कुल मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो चलिए ये थी कुछ हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारियां। आगे चलते हैं इसरो। इसरो ने गगनयान के लिए फ्रांस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इससे जो है इसरो के द्वारा जो जिन लोगों को जो है गगनयान के लिए तैयार किया गया उसको इसरो के कर्मचारियों को खास करके और जो भी लोग जाएंगे उसको जो है इसरो फ्रांस के द्वारा जो है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे जो है स्टेशन पे जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बातें जो है सामने खुलकर आई है। इसे लोगों को जो है कर्मचारियों को इसरो कर्मचारियों को जो है बहुत ज़्यादा जानकारियां बढ़ेगी। आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन पर 4 पुस्तकों का विमोचन जो है दिल्ली में किया है वर्चुअली तरीके से। तो हाल ही में हम लोगों ने जो है उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जो कि हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी न्यूज की ओर देखते हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री नितिन पटेल जो कि भारतवंशी हैं ने भगोड़े आर्थिक कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की मंजूरी दे दी है। मैं बता दूं कि वहाँ की वेस्टमिंस्टर अदालत ने जो है पिछले दिनों नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का जो आदेश सुनाया था। तो जल्द ही भारत इसको जो है प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा और भारत में फिर जो है ये केस कोर्ट में मामला चलने वाला है। भारत ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के अरबों घोटालों के जिम्मेदार हैं नीरव मोदी और काफी सालों पहले ही जो है भारत छोड़कर भाग गए थे ब्रिटेन और भी बहुत सारे देशों में जाकर छिप गए थे। तो जल्दी जो है भारत में उनको जो है उनको लाया जाएगा यानी प्रत्यर्पित किया जाएगा और भारत सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। मिट्टी का तेल है ना केरोसिन जिनको हम लोग बोलते हैं पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पोटेशियम जो ठंडे पानी के साथ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है। आखिरी 2 सवाल, दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है और विसरण डायलिसिस की प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये थे विज्ञान से 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर कर दूं। तो बता दूं कि आईसीएसई ने जो है तत्काल रूप से अभी स्थगित कर दिया है परीक्षा, बोर्ड परीक्षा लेने के लिए। तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया। उससे पहले सीबीएसई ने भी जो है रद्द कर दी थी मैट्रिक की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी थी। अब सीआईएससी जिसको हम लोग कॉमन काउंसिल फॉर इंडियन काउंसिल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कहते हैं, ने COVID-19 के बढ़ते मामले देखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को जो है परीक्षा की परीक्षाओं को जो है फिलहाल टाल दिया है। इससे पहले भी बहुत सारे राज्यों ने जो है परीक्षाओं को टाल दिया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ऑक्सीजन के जरूरत के आंकड़े किए गए साझे। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच नियमित संपर्क बना हुआ है और 20, 25 और 30 अप्रैल के लिए अनुमान के आधार पर ऑक्सीजन की जरूरत के आंकड़े साझा किए गए हैं। इनके आधार पर इन राज्यों 12 राज्यों को 20, 25, 30
अप्रैल के लिए क्रमशः 4,880, 5,416, 6,553 टन गैस का आवंटन किया गया है। उन्हें ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर देश में उत्पादक क्षमता के बारे में जानकारी दी गई है। इस्पात संयंत्रों में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति मेडिकल इस्तेमाल के लिए के करने के बारे में भी चर्चा हुई है। तो ऐसे ही विश्व संरचनात्मक अनाचार दिवस की शुरुआत तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने की, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की ओर से हर साल 21 अप्रैल को तिथि की तिथि जो है रचनात्मकता एवं नवाचार यानी इनोवेशन को समर्पित की गई है। इस दिवस को का उद्देश्य विश्व भर में रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस संगठन का मानना है कि रचनात्मकता ही विश्व की सबसे अनमोल निधि है, जिसके सहारे हम अपनी सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रफ्तार को बनाए रख सकते हैं। वैसे विश्व संरचनात्मक विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो से हुई थी। तब इसकी पहचान कनाडाई मार्सिस सेंगल ने की थी। सेंगल ने विश्व उत्तर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज इन क्रिएटिविटी में अध्ययन किया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में सभी मुद्दों को समान समाधान में रचनात्मक के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। इसके तहत विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव अधिकारिक रूप से 27 अप्रैल 2017 को अपनाया गया और इसके लिए हर साल 21 अप्रैल को दो तिथि घोषित की गई है या तय की गई है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो चलिए ना आज लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सबक है दादा। तो एक और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक ऑडियो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और कंटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कल का आपने क्लास नहीं किया तो फिर उसका बता दूँ कि उसका लिंक शेयर मैंने कर दिया है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। तो एवरीडे जो है 11:30 AM क्लास होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।